हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइड पर्सूट। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के एक नए अपडेट के बारे में, जो कि आपका जो जीमेल अकाउंट है इसे भी डिलीट कर सकती है। हाँ, आपने सही सुना, गूगल अपने कुछ जीमेल अकाउंट्स को डिलीट करने जा रहे हैं। बट आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने जीमेल अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले गूगल ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उन्हें इतने सारे जो हैं जीमेल अकाउंट्स को डिलीट करना पड़ेगा? गूगल कहता है कि अगर आपने अपनी जीमेल अकाउंट्स को पिछले 2 साल से कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट यूज नहीं किया, जैसे कि जीमेल हो गया, जैसे रिसीप्ट सेंड करने के लिए जीमेल, या कोई भी प्रोडक्ट यानी कि यूट्यूब या गूगल डॉक, गूगल सीट या कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है गूगल का, ये अगर आप यूज नहीं करते 2 साल से, तो गूगल के पास जो राइट्स है कि वो अकाउंट को ये डिलीट कर सकता है। और अगर आपने अगर ये सब सर्विसेज यूज नहीं किया तो आपका भी अकाउंट खतरे में है। सो अब बात करते हैं कि आप अपने अकाउंट को कैसे सेफ रख सकते हैं और कैसे डिलीट होने से बचा सकते हैं। सिंपल है, आपको बस 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक हो गया आपको जो ईमेल है, ईमेल सेंड करना है या रिसीव करना है, जैसे कि आपको कंपोज करके किसी के पास मेल सेंड करना है या किसी के पास से मेल रिसीव करना है। और दूसरा जो चीज़ हो गया, आपको यूट्यूब या प्ले स्टोर से जाके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड, या गूगल डॉक, गूगल शीट्स और बहुत सारे जैसे गूगल जर्नी, जो भी प्रोडक्ट हैं गूगल के, ये सारे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग ये 2 सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपका भी अकाउंट डिलीट होने से बच सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है ये इनएक्टिव है, तो गूगल आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? गूगल आपको बताएगा आपकी जो रिकवरी ईमेल आईडी है या जो फोन नंबर है, फोन नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करके भी ये बता सकता है कि आपका जो अकाउंट है जो इनएक्टिव पड़ा है उससे आप लोग एक्टिव कर लो, या तो वो डिलीट हो सकता है। और ये गूगल कब तक करने वाला है? ये गूगल आपका मतलब 7 to 8 months के लिए आपको हर महीने एक नोटिफिकेशन भेजेगा, और आप वो जो मेल है, मेल को इग्नोर मत कीजिएगा, आप उसको सीरियसली लीजिएगा, और सीरियसली लेके आपको एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन क्या परफॉर्म करना है ये मैंने बता दिया था आपको, वही 2 चीज़ करने हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप लोग करते हो तो आपका जो अकाउंट है सेफ हो सकता है। अगर आप लोग ये जो मैसेज है या जो भी मेल है, मेल को इग्नोर कर देते हो, और 8वां महीने के बाद आपका अगर अकाउंट एक बार डिलीट हो गया तो वो रिकवर नहीं हो सकता है। तो आखिर में याद रखें कि गूगल का जो है सर्विसेज या जो इनएक्टिविटी है वो डिवाइस अकाउंट में होता, जैसे कि लेट सपोज किया ये अकाउंट से होता है, अकाउंट से इन द सेंस कि आपका फोन में मल्टीपल अकाउंट्स है, तो इससे आपका ये नहीं होगा कि आप गूगल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, वो काउंट करते हैं जो एक्टिव जीमेल अकाउंट है उसी का ये काउंट करेगा कि ये एक्टिव है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो आपका जीमेल अकाउंट है वो इनएक्टिव ही होगा, जब तक अगर आप लोग वो जीमेल अकाउंट से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते या कोई भी सर्विसेज यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कूल रहें और अपने अकाउंट को सेफ रखें। और हाँ, कमेंट बताएं कि आप सबसे ज़्यादा गूगल सर्विसेज कौन से यूज़ करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।